हेलो फ्रेंड्स, किरण टेक एंड टेस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे वीडियो के नीचे दिए रेड बटन सब्सक्राइब को दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं और प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें। फ्रेंड्स, आज हम सीख लेते हैं माइक्रोवेव में कॉम्बी मोड को यूज़ करना। कॉम्बी मोड में ग्रिल प्लस माइक्रो और माइक्रोवेव प्लस कनेक्शन, दो मोड चलते हैं। तो नंबर वन पे रहता है माइक्रोवेव प्लस ग्रिल और दूसरे नंबर टू पे रहता है माइक्रोवेव प्लस कनेक्शन। तो माइक्रोवेव ग्रिल को यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स, हमें माइक्रोवेव को ऑन करना है। सबसे पहले इसमें हायर रैक यूज़ करेंगे, क्रस्टी प्लेट यूज़ करेंगे। आप इसमें मेटल का कोई बर्तन यूज़ ना करें, कोई प्लास्टिक का यूज़ ना करें, सिर्फ इसके साथ जो क्रस्टी प्लेट हमें मिलती है, जिसे माइक्रोवेव का तवा भी कहा जाता है, इसके ऊपर टफलोन की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से इसमें स्पार्क वगैरह नहीं हो सकता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटल की कोई प्लेट यूज़ ना करें। सबसे पहले माइक्रोवेव को ऑन करके हम कॉम्बी बटन प्रेस करेंगे, जो कि माइक्रो प्लस ग्रिल के लिए है। नंबर वन CB/1 जो आएगा वो कॉम्बी प्लस सॉरी माइक्रोवेव प्लस ग्रिल उसमें काम करेगा। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ को कुक एंड रोस्ट कर सकते हैं, जैसे CB/1 ये आ गया कॉम्बी प्लस कर बटन दबाने पर माइक्रो प्लस ग्रिल। इसमें आपको सबसे पहले ये ऑन करना है। नंबर टू पे माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन रहता है, तो कन्वेक्शन में जब आपको कुछ बेक करना है प्लस कुक करना है, तो आप ये मोड यूज़ करेंगे CB/2। फर्स्ट पे आप जब ग्रिल कर रहे हैं, कोई चीज़ को रोस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बैंगन का भरता का एक वीडियो डाला था, तो मैंने इसमें बनाया था, तो पहले कॉम्बी बटन ऑन करेंगे। उसके बाद इसमें टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, वो आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं 600, 450, 450 और 300। उसके बाद आपको सेलेक्ट बटन से टाइम सेट करना है। इसमें आपको टेम्परेचर और टाइम दोनों सेट करने हैं, क्योंकि हम माइक्रो इसके साथ इसमें माइक्रो और ग्रिल दोनों यूज़ हो रहे हैं, माइक्रो में टेम्परेचर सेट करना पड़ता है ताकि कोई भी चीज़ जो है कुक हो सके अच्छे से। तो इसी तरह से इसमें टेम्परेचर के साथ टाइम सेट करना है। फ्रेंड्स, मैंने बैंगन का भरता जो बनाया था, मेरे व्यूअर को एक थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि उसमें किस तरह से कौन सा बर्तन यूज़ करना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि टेम्परेचर टाइम सेट कर लें कॉम्बी मोड पर, और बर्तन के लिए सिर्फ क्रस्टी प्लेट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरी प्लेट यूज़ नहीं करनी है। कांच का कोई बर्तन, बाउल या प्लेट यूज़ करें, या फिर क्रस्टी प्लेट को ही यूज़ करें, दूसरा कोई मेटल का बर्तन यूज़ ना करें। कन्वेक्शन प्लस माइक्रो में भी सेम, आपको मेटल का बर्तन यूज़ नहीं करना है। क्रस्टी प्लेट को हायर रैक पे यूज़ रखेंगे। देखिए, इसके ऊपर जो एलिमेंट्स लगे होते हैं, ऊपरली साइड लगे होते हैं, तो वहाँ से इसको सेक लगता है, रोस्ट होती है कोई भी चीज़, तो ऊपर हायर रैक का यूज़ करें, साथ ही क्रस्टी प्लेट का यूज़ करें। जब आप यूज़ करते हैं कन्वेक्शन मोड माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें मेटल का बर्तन यूज़ नहीं करना है। ओनली कन्वेक्शन में हम मेटल यूज़ करते हैं, टीन के जो हमारे केक केक टीन वगैरह मिलते हैं वो हम यूज़ करते हैं, बट कन्वेक्शन प्लस माइक्रो में नहीं यूज़ करना है, कॉम्बी मोड में नहीं यूज़ करना है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉम्बी मोड में मेटल दोनों में नहीं यूज़ करना, माइक्रो कन्वेक्शन माइक्रो ग्रिल में नहीं यूज़ करना। और ये आपको टेम्परेचर और टाइम सेट करना है अपने आप से। ग्रिल का टेम्परेचर तो ऑटो रहता है, बट माइक्रो वाला जो है टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।